नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क, और इस वक्त हम आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ऐसी कई चीजों से आप लोग भी शायद अवगत हो चुके हों, परंतु इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जिस चीज को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और हो सकता है कि ये आपका लाखों करोड़ों का नुकसान होने से भी बचा ले। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं, चाहे वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करें या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें, परंतु बड़ी बात यह है कि करोड़ों लोग इस ऐप को प्रतिदिन और नित्य तौर पर इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये ऐप स्कैमर्स के लिए और हैकर्स के लिए भी एक पसंदीदा जगह बन चुकी है। आमतौर पर आपने भी देखा होगा कि व्हाट्सएप को फ्रॉड करने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कई मामलों से आप लोग शायद अवगत भी हो चुके हो। ऐसा ही एक मामला केबीसी लकी ड्रॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था, और ऐसा ही स्कैम अब फिर से वापसी आ चुका है। इस स्कैम ने हिंदुस्तान में फिर से दस्तक दी है। आपको बता दें कि एक नंबर से सबसे पहले आप लोगों के पास एक ऑडियो और एक इमेज आएगी। उस इमेज में ये लिखा होगा कि ऑल इंडिया रैंडम सिम सिलेक्शन कॉन्टेस्ट के तहत आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, और आप लोगों को 25 लाख रुपए बतौर इनाम राशि दिया जाएगी, जो कि आपके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा एक ऑडियो मैसेज भी आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें यही सेम बात आप लोगों को ऑडियो के तरीके से बताई जाएगी, ताकि जो लोग पढ़ ना सके वो ऑडियो सुनकर इस स्कैम में फंस जाए। एक ऐसे ही नंबर से हमारे पास भी मैसेज आया था, जिसमें एक ऐसी ही इमेज आई थी। आप वो इमेज इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट हमने लगाया है। कैसे यहाँ पर एक इमेज पे आप देख पाएंगे कि पहले एक इमेज आई जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर 25 लाख रुपए हम लोग जीत चुके हैं, और हमें ये इनाम राशि सीधा हमारे बैंक अकाउंट में मिलेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करना है। अपना लकी ड्रॉ नंबर, जिसमें हमने कभी रजिस्टर भी नहीं किया होता, वो लकी ड्रॉ नंबर ये लोग हमें देते हैं कि हमारा सिम रैंडम नंबर पे सिलेक्ट किया गया, वो नंबर हमें बताना होगा, और उसके बाद इनाम राशि सीधा हमारे अकाउंट में पहुंच जाएगी। आप लोगों को बता दें कि ऐसे में ये लोग सबसे पहले आपसे आपके ब्लैंक चेक की फोटो या पासबुक की फोटो की मांग करते हैं, आपके आधार कार्ड की मांग करते हैं, और आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो की भी मांग करते हैं। ये सब जानकारी लोग अक्सर इन लोगों को व्हाट्सएप पर दे दिया करते हैं, क्योंकि 25 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और अक्सर लोग इसी चीज के चलते जाल में फंस जाते हैं। हालांकि हम आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार से जाल में ना फंसे, सबसे पहले लोग आपकी बैंक की पासबुक लेंगे, आपका आधार कार्ड लेंगे, उसके बाद कई बार ऐसा होगा कि आपको एक ओटीपी बताने के लिए कहेंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि बिना ओटीपी बताए ये लोग आपके बैंक से लाखों रुपए निकाल कर फरार हो जाए, आपका नंबर ब्लॉक कर दे। इसके अलावा जो दूसरा तरीका आया है जिससे ये लोग पैसे ऐंठते हैं, वो ये है कि ये लोग आपसे एक फीस मांगेंगे, प्रोसेसिंग फीस के नाम से जाने वाली ये फीस ज्यादातर 25 हजार रुपए या उससे बड़ा कोई अमाउंट होता है, क्योंकि 25 लाख के आगे 25 हजार रुपए कुछ भी नहीं है, तो ज्यादातर लोग 25 हजार रुपए सीधा अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद उन लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है। परंतु कुछ स्कैमर्स का जब इससे भी मन नहीं भरता, तो 25 हजार प्रोसेसिंग फी के बाद वो लोग और पैसे की मांग करते हैं, और अलग अलग चार्जेस के नाम पर, क्योंकि जो व्यक्ति 25 हजार रुपए दे चुका है वो 5 हजार और 10 हजार जैसे छोटे अमाउंट देने से पीछे नहीं हटता, तो वो और पैसे इन लोगों को दे देता है, सीधा इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और फिर ये लोग ब्लॉक करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसा ही स्कैम हमारे साथ भी करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई, ताकि जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सतर्क हो जाएं और किसी भी ऐसे मैसेज पर विश्वास ना करें जिसमें ये कहा जा रहा हो कि आपको लाखों रुपए सीधा आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई लिंक भी आप लोगों के पास आए, चाहे वो SMS से आए या व्हाट्सएप से आए, तो ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसे लिंक पर क्लिक करते ही हैकर सीधा आपके UPI को हैक कर लेंगे, और सारा का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके फरार हो जाएंगे। हालांकि जब पुलिस इन मामलों की छानबीन करती है, तो बताया ये भी जाता है कि ऐसे मामलों के तार नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कतर जैसे देशों से जुड़े हुए मिलते हैं, जिसके चलते पुलिस द्वारा इन लोगों को पकड़ा जाना भी लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि 25 हजार एक ऐसा अमाउंट है जिसके चलते शायद दिल्ली पुलिस या हम यू कहें हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस कतर जाके कार्रवाई या नेपाल जाके पाकिस्तान जाके कार्रवाई ना कर पाए।
आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार से स्कैमर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान में दर्जन भर या 100 लोग नहीं, हजारों लोग इस प्रकार से स्कैम का शिकार हो चुके हैं। किसी ने 10,000 गवाए, किसी ने 25,000, तो कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 लाख रुपए तक ऐसे स्कैम्स के चलते गवा कर बैठ चुके हैं। इसीलिए हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों तक उचित जानकारी पहुंचे, आप लोग इस फ्रॉड में फंसने से बच जाएं। और इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि ऐसे ही फ्रॉड की एक जानकारी अमिताभ बच्चन जी द्वारा केबीसी के शो में भी दी गई थी। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से स्कैमर्स आप लोगों को कॉल करते हैं और इसके बाद आपको एक फेक आईडी कार्ड जिसमें सोनी का लोगो और केबीसी का लोगो बना होता है वो आप लोगों को भेजते हैं, और उसके बाद लोग अक्सर इनके जाल में फंस जाते हैं। लोगों फंसाने के लिए, उनको अपने ऊपर यकीन दिलाने के लिए ये लोग अक्सर कॉल पर कई कई देर तक होल्ड भी कराते हैं और सोनी लाइव टीवी, केबीसी, सोनी टीवी जैसे शब्दों का अक्सर उपयोग करते हैं ताकि एक आम आदमी इनके जाल में फंस सके। आपको बता दें कि ऐसी जानकारी देने के बाद अमिताभ बच्चन जी ने भी ये खुद अपील की थी कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो इस प्रकार से स्कैम में ना फंसे, क्योंकि केबीसी एक बहुत बड़ा शो है, कई सालों से लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सोनी पर ये चलाया जाता है, करोड़ों लोग इसके फैन हैं और करोड़ों लोग जल्दी पैसा भी कमाना चाहते हैं। इसके चलते ही लोग अक्सर ऐसे स्कैम में, फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो हमारी भी आप लोगों से यही अपील है कि इस प्रकार से लिंक्स पर क्लिक ना करें, ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, इनके जाल में ना फंसे। और अगर आपको भी इसी प्रकार से कोई मैसेज आता है तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट करें। अगर आप लोग पुलिस थाने नहीं जाना चाहते तो आप इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट भी साइबर पुलिस को कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो इस जाल में फंस सकते हैं, इसीलिए उनको बचाने के लिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो इसीलिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें।